21 अगस्त के भारत बंद ने दलित बहुजन समाज की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया। आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों और आदिवासियों ने समाज ने सड़कों पर उतरकर साफ संकेत दे दिया कि अब उनके अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत बंद की सफलता ने साबित कर दिया कि दलितों में एक देशव्यापी अंबेडकरवादी चेतना से लैस, जुझारू, साहसी, निडर अगुवा वर्ग विकसित हो गया है। यह अगुवा वर्ग मुख्य रूप से नौजवानों से बना है, जिसे कमोबेश अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान है। ऐसे अगुवा लोगों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। नीला झंडा, नीला रंग, जय भीम और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें आज के भारत का एक मुख्य झंडा, रंग, नारा और तस्वीर बन चुकी है। यही इस आंदोलन ने साफ कर दिया। 21 अगस्त के भारत बंद ने उसकी सफलता ने यह भी साबित कर दिया कि दलित समुदाय अपने मुद्दों पर संघर्ष के लिए किसी एक पार्टी और व्यक्ति का मोहताज नहीं रह गया है। आपको याद होगा कि इस भारत बंद की कॉल जो है वो ऐसे ही आई थी, लेकिन बाद में सब लोग उसमें जुड़ते गए। लेकिन इससे साबित हो जाता है कि किसी एक पार्टी और व्यक्ति के लिए ही उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि दलित अपने आप अपने मसलों पर एक सामूहिक नेतृत्व विकसित कर रहे हैं। उसके बीच एक सामूहिक नेतृत्व विकसित हो रहा है जो राजनीतिक पटल पर भले ही उतना मुखर नहीं दिखता हो, लेकिन वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत मुखर है। यही इस आंदोलन से साफ होता है। साथ ही इससे पता चलता है कि भले ही दलित समाज में लाखों संगठन हो, अक्सर ताना दिया जाता है कि इतने संगठन बना लिए, लेकिन चाहे लाखों संगठन हो, आपस में उनके कुछ भी मतभेद हो, लेकिन जब सवाल दलितों के सामूहिक हितों का आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं और एक स्वर में बोलते हैं, एक बात बोलते हैं। ये भी इस आंदोलन से साफ हो गया कि भले ही कितने संगठन हैं, कुछ भी उनमें मतभेद है, लेकिन जब बात हक अधिकार की आएगी, हित की आएगी, तो सब लोग एक स्वर में बोलते हैं और बाकी लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। इस आंदोलन की कामयाबी से ये भी पता चला कि दलितों को देशव्यापी स्तर एक सूत्र में बांधने वाला भले ही कोई एक संगठन या मंच ना हो, लेकिन वैचारिक तौर पर अम्बेडकरवादी वैचारे की सबको कमोवेश एक सूत्र में बांधे हुए है और बाबा साहेब के विचार ही सबको एक धागे से बांधने के लिए काफ़ी हैं। इस आंदोलन की कामयाबी बताती है कि आर्थिक तौर पर आज भले ही दलित समाज भारत का सबसे कमज़ोर तबका हो, लेकिन सामाजिक और वैचारिक तौर पर भारत का सबसे सशक्त सामाजिक समूह अगर कोई है तो वो दलित बहुजन समाज ही है, क्योंकि वो अपने एक अधिकार के लिए बोलता है, लड़ता है, जेल जाता है, लगातार संघर्ष को सहता है, संघर्षरत रहता है। वो सबसे सशक्त सामाजिक समूह बनकर उभर रहा है। यह आंदोलन हमें बताता है कि दलितों के भीतर अपनी स्थिति को लेकर एक गहरा असंतोष है और तीव्र आक्रोश भी है, जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर होती रहती है। भारत बंद को इस दिशा में भी देखा जाना चाहिए कि दलितों में जो गुस्सा पनप रहा है मनोवैधि व्यवस्था के शोषण की वजह से, वो गुस्सा इस तरह से जाहिर होता है। इस आंदोलन की कामयाबी बताती है कि भारत बंद भले ही किसी एक संगठन के दिशा निर्देश में नहीं हुआ हो, लेकिन कमोबेश पूरी तरह से संगठित और अनुशासित होना ये बताता है कि दलित समाज अपनी भीतरी लोकतांत्रिक संवैधानिक चेतना के चलते स्वयं को लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम है और सफल हो रहा है। दलित समाज एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसकी उपेक्षा करने की हिम्मत अब भारतीय राजसत्ता और सरकारों के पास नहीं है। तमाम पार्टियां जो हैं वो भले ही कुछ दिखावा करें, लेकिन अब इग्नोर नहीं कर पाती हैं। ये भी इस आंदोलन से साफ हुआ है। साथ ही इससे पता चलता है कि भारत बंद को अधिकांश दलित, आदिवासी और पिछड़ों का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों का समर्थन इस बात का सबूत है कि ये पार्टियाँ दलितों के मुख्य सरोकारों से खुद को अब अलग थलग नहीं रख सकती, नहीं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने इसमें शामिल होने का फैसला किया, बहनजी ने फैसला किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर नजर आए, जिससे बहुजन समाज पार्टी में एक नई चेतना जागी और नया विश्वास लोगों में पैदा हुआ। इसके अलावा BSP के अलावा समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम जो राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी और भाकपा माले लिबरेशन जैसी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। इससे ये साबित होता है कि दलितों के जब अपने मसले आते हैं और वो मुखर हो जाते हैं तो फिर ये पार्टियां इग्नोर नहीं कर सकती, उन्हें अपने राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए शामिल होना ही पड़ेगा। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में बहुत सारी पार्टियां बाहर थी, किसी ने समर्थन नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके वो आंदोलन कामयाब हुआ, तो अब पार्टियों को इसमें शामिल होना पड़ा। इस बंद के ये भी मायने हैं कि भारत बंद के दौरान सड़क पर उतरे दलित बहुजन कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार भी
अभी तक इस बात का सबूत है कि दलितों को अब दलित फलित मानकर अहंकार भरा दमनकारी व्यवहार करने की हिम्मत किसी सरकार के लिए प्रशासन के लिए जुटाना मुश्किल हो गया है। ज़्यादातर जो जगह पर प्रदर्शन हुआ वहाँ पुलिस ने और लोगों ने शांति बनाए रखी। पटना में ज़रूर इस तरह की हरकतें हुई, वहाँ की जातिवादी पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन जो एक मानसिकता थी कि दलितों को देखते ही लाठी से पीट दिया जाता था, अब वो मानसिकता जुटाना और उस तरह की हरकत करना आसान नहीं है। यह आंदोलन बताता है कि मुख्य धारा की सवर्ण मीडिया के बरक्स दलितों का अपना एक ऐसा वैकल्पिक सोशल मीडिया ग्रुप और बहुजन मीडिया विकसित हो गया है जो दलित समाज के संदेश को पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करने में सक्षम है। और अब दलित बहुजन समाज मनु मीडिया के भरोसे बिल्कुल नहीं है। मनु मीडिया वाले हमारी कवरेज करें ना करें, हमारे आंदोलन को दिखाएं ना दिखाएं, हमारे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारे अपने बहुजन मीडिया के चैनल्स इस मैसेज को, इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने में सक्षम हैं, और तभी तो झक मार के मनु मीडिया को आंदोलन कवर करना पड़ रहा है। 2 अप्रैल का आंदोलन कवर नहीं किया था लेकिन फिर भी कामयाब हुआ था। अब मनु मीडिया के लोग ज़रूर उस बात से सबक लेते हुए अपनी खबरें बनाने की कोशिश करते हैं। यह आंदोलन बताता है कि दलित जन सैलाब के जो दृश्य महाराष्ट्र की पहचान हुआ करते थे, यानी जो बाबा साहेब की ज़मीन है, महाराष्ट्र की ज़मीन है, वो पहले वहीं पर उस तरह के बड़े आंदोलन होते थे, वो अब हिंदी पट्टी या फिर मैं कहूँ कि हिंदू पट्टी जो नॉर्थ इंडिया है उसकी भी पहचान बनती जा रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसका यही संदेश है कि ब्राह्मणवाद का जवाब अगर कोई वाद दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है, और अम्बेडकरवाद सीधी चुनौती देता है उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह से नीले झंडे और जय भीम के नारे गूंज रहे हैं, वो इस बात का सबूत है और ये अच्छी बात है। साथ ही ये आंदोलन हमको बताता है कि अम्बेडकरवादी वैचारिकी पूरे देश को अपने दायरे में धीरे धीरे अब ले रही है, अभी इसका तेजी से क्षैतिज विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे ये एक बड़ी ऊंचाई भी ग्रहण करने की ओर बढ़ेगी, यानी जो लोग हैं अब अम्बेडकरवादी बनते जा रहे हैं और आंदोलन को समझ रहे हैं, अपने एक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं, इसका विस्तार हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं इसे आंदोलन के एक परिणाम के तौर पर देखता हूं कि भारत बंद ने दलित आदिवासी और ओबीसी की एकता को भी मजबूत किया। भारत बंद में तमाम दलित और आदिवासी संगठनों के अलावा कुछ ओबीसी संगठनों ने भी हिस्सा लिया, जो आपसी एकता को बढ़ावा देने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही भारत बंद की कामयाबी सिर्फ सांकेतिक नहीं है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक है, बल्कि इसके गहरे परिणाम निकलेंगे। मैं इसको एक बड़े आंदोलन के तौर पर देख रहा हूँ। आने वाले वक्त में देश की दिशा तय करने में दलित बहुजन समाज और उसके मुद्दे सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे, इसकी भी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। आप भारत बंद की सफलता और बहुजन समाज की एकता को कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि आप इसको समझ सकें कि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है बल्कि इसके गहरे मायने हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।